नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल शॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड, क्या इस कंपनी को बाई करना चाहिए, क्योंकि यह कंपनी जो कि 50% का करेक्शन आपको दिखा चुका है। आप देखेंगे इस कंपनी का 52 वीक हाई 11.50 रुपये का हुआ करता था और वहां से यह कंपनी गिरते हुए 5.78 रुपये पे आज क्लोज हुआ है। तो ऐसे में इस कंपनी का कहां पर स्टॉप लॉस पड़ेगा, कहां पर यह कंपनी सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करेगा, जो लोग इस कंपनी में बाई करने की सोच रहे हैं उन्हें किस प्राइस पे इस कंपनी को बाई करना चाहिए, दोस्तों सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल की। दोस्तों, अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो यह कंपनी जो कि अपने 50 दिनों के डीएमए के नीचे आ चुका है, तो ऐसे में इस कंपनी में एक बाउंस बैक आपको होता हुआ दिख सकता है जैसा पहले होता हुआ दिखा था, लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा वो 50 दिनों के डीएमए के पास में हो सकता है। लेकिन अगर यह कंपनी बाउंस बैक नहीं करता और डायरेक्ट नीचे जाने की कोशिश करता है तो इस कंपनी का जो स्ट्रांग सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल जाएगा वो 4 रुपए के पास का देखने को मिल जाएगा, जो कि इस कंपनी के 200 डीएमए के बराबर है। तो देखते हैं इस कंपनी के और डिटेल की। दोस्तों, अगर इस कंपनी के शॉर्ट टर्म के चार्ट में हम डिटेल देखें तो इस कंपनी का एक और सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 4.50 रुपए के पास में है। इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। आप देखेंगे इस कंपनी का जो RSI है वो 30 के पास में पहुंच चुका है, तो ऐसे में अगर बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी की तरफ आते हैं तो इस कंपनी में जल्दी आपको अपर सर्किट लगता हुआ फिर से दिख जाएगा। लेकिन जो लास्ट टाइम आपको बड़ी ग्रोथ देखने को मिला था, शायद इस बार वो ग्रोथ आपको देखने को न मिले, क्योंकि इस बार यह कंपनी रेजिस्टेंस भी फेस करेगा, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो जो लोग बाई करना चाहते हैं, कंपनी अगर सपोर्ट बनाकर बाउंस बैक करना स्टार्ट करता है तो आप चाहे तो डेली टू डेली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके इस कंपनी को बाई करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले कंटिन्यू करें या फिर चाहे तो एवरेज भी करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म वाले निकलने की प्लानिंग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।